स्टडी के अकॉर्डिंग मेन का वेस्ट साइज यानी कमर का साइज अगर 40 इंच से ज्यादा है और विमेन का 35 इंच से ज्यादा है तो उन्हें डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और वैसे भी अगर बेली फैट ज्यादा है तो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि कई सारी खतरनाक बीमारियां होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बेली फैट देखने में भी बहुत गंदा लगता है, हम अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, किसी शादी या पार्टी में जब फोटो खिंचवाने की बारी आती है तो अपने पेट को एकदम अंदर की तरफ दबाकर खड़े हो जाते हैं ताकि हमारी फोटोज खराब ना आए। आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था कुछ टाइम पहले, जब डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, मेरा बेली फैट बहुत ज्यादा था और मैं अपने पसंद के कोई कपड़े नहीं पहन पाती थी। लेकिन मैंने अपना 18 किलो वजन कम करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने बेली फैट को कम किया और इसीलिए आप लोगों के लिए भी मैं इजी एंड अमेजिंग वर्कआउट की वीडियोस लेकर आते रहती हूँ ताकि जिस तरह मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया ठीक उसी तरह आप भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें और अपने बेली फैट को कम करें। तो आज मैं आपके लिए 6 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक हफ्ते में ही आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देंगे और आपका 2 इंच तक बेली फैट कम होगा। जी हाँ, तो आज ही अपने बेली साइज को मेजर कर लें और एक हफ्ते बाद फिर से मेजर कीजिएगा और देखिएगा आपने कितने इंच लॉस किए हैं। और अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आप इन एक्सरसाइज को 20-25 दिन तक फॉलो करें और धीरे धीरे आपका बेली एकदम फ्लैट हो जाएगा। बस साथ में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि सुबह उठकर 2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी पिएं जिसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दें। उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए वॉकिंग करनी है या फिर एक ही जगह खड़े होकर स्लो जॉगिंग करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और आपका कार्डियो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको अपने बॉडी वेट का ही इस्तेमाल करना है, यानी आज की एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बेस्ड है और जब आप कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करते हैं तो आपका बेली फैट कम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस अपने खाने का थोड़ा ध्यान रखें और कार्ब्स वाली चीजों को थोड़ा सा कम खाएं, जैसे रोटी और चावल का इंटेक थोड़ा कम कर दें। और अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप दिन भर सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं और जितना हो सके उतना पानी पिए। पानी आपकी बॉडी को क्लीन करेगा और आपकी बॉडी में जमा फैट को बाहर निकालने का काम करेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें और चलिए आज के वर्कआउट को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू अपडेट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरीके से मोड़ लेना है, दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर प्लेस कर दें। अब आपको सामने की तरफ देखना है, यानी अपने सर को नीचे की तरफ नहीं झुकाना है। इस तरीके से आपको अपने सर को उठाना है। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन जाओगे, इस तरीके से अपने नेक को उठाओगे तो आपके नेक में पेन हो सकता है और एक्सरसाइज के अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। सो आप सामने की तरफ देखें, बिल्कुल इस तरीके से एकदम आराम आराम से इस एक्सरसाइज को करना है। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इस एक्सरसाइज के दौरान। जितना आराम से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव होगी। जब आप एफर्ट लगाएंगे तब सांस छोड़ना है और जब रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे तब सांस लेना है, यानी सर को उठाते वक्त आपको अपने मुंह से सांस छोड़ना है और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नाक से सांस लेना है। इस रूटीन को लगातार 25 बार दोहराएं, यानी 25 टाइम्स आपको इस रूटीन को रिपीट करना है और इसके 2 सेट लगाने हैं, यानी 25-25 करके ही आपको इसे 2 बार रिपीट करना है। बीच में आप 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। वेल डन, तो सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे, उसके लिए आपको देखिए क्या करना है। बिल्कुल इस तरीके से सीधे लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और अब आपको इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को उठाना है, हील को टच करना है। वापस अपनी बॉडी को उठाएंगे, राइट लेग को टच करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को टच करेंगे। इसी तरीके से आपको पूरे फोर्स के साथ अपनी बॉडी को उठाना है और अपनी हील को टच करना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बेली फैट कम करने के लिए और ये एक्सरसाइज थोड़ी चैलेंजिंग है, तो आप इसे 10 बार से ज़्यादा नहीं कर पाओगे अगर आप बिगिनर हो। तो 10 बार इसको रिपीट करें और फिर कुछ सेकंड का रेस्ट लेके वापस से इस रूटीन को दोहराएं, यानी आपको इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट लगाने हैं। वेरी नाइस, सो अब चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर।
तो आपको क्या करना है, अपने पैरों को उठाना है और दोनों हाथों को पैर के नीचे से लेकर जाना है, क्लैप करना है, वापस अपने दोनों हाथों को पीछे ले आना है। बस इसी तरीके से अपने हाथों से क्लैप करें, पैर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें क्लैप करते वक्त, और कंटिन्यूसली सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आप खुद फील कर पा रहे होंगे इस एक्सरसाइज के दौरान आपके बेली पर आपको एक इफेक्ट महसूस हो रहा होगा, अच्छा महसूस हो रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा कि आप अपने बेली फैट को बर्न कर रहे हैं। सो आप इसको 20 टाइम्स रिपीट करें, इस रूटीन को, इसके दो सेट लगाएं, और जितना आराम आराम से करेंगे सभी एक्सरसाइज को उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सो बिल्कुल रिलैक्स होके करें। आज जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी एक्सरसाइज बहुत ही अमेजिंग है और सिर्फ 7 दिन में ही आपका 2 इंच तक बेली फैट कम कर सकती हैं। सो अपने डाइट का ध्यान रखें, कैलोरी डेफिसिट में रहें और आज की एक्सरसाइज को फॉलो करें और 7 दिन में आप रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। सो हमने 3rd एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, अब 4th एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसके लिए आपको एक डंबल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप 1 लीटर का फिल्ड वाटर बॉटल भी ले सकते हैं, बस आपके हाथ में कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए जिससे कि एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव हो। अब इसको इस तरीके से होल्ड करें और ऊपर की तरफ ले जाएं, अपनी बॉडी को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं और फिर वापस डंबल को ऊपर की तरफ प्रेस करें, वापस पीछे की तरफ आएं, रीच अगेन, गो बैक। बस इसी रूटीन को आपको फॉलो करना है। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बैक स्ट्रेट रखें, चेस्ट ओपन रखें, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। थोड़ी चैलेंजिंग है ये एक्सरसाइज, अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप 10 बार से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से इसको फॉलो कर पाएंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके बेली फैट के साथ साथ आपके आर्म फैट को कम करेंगे, अगर आपके ब्रेस्ट पर फैट जमा है तो वहाँ से भी फैट कम कर देंगे। सो फॉलो करते रहिए। तो हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं आज के, लास्ट के 2 और बचे हैं। सो वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे से आप इन सभी एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 5 पर चलते हैं। सो इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को थोड़ा सा उठा के रखना है, डंबल को होल्ड करना है और इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट डंबल को आपको प्लेस करना है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो 1 लीटर का पानी का बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं भरा हुआ। तो जो लोग बिगिनर हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, और जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं वो अपने पैरों को थोड़ा उठा लें और फिर रशियन ट्विस्ट करें। इस एक्सरसाइज का नाम रशियन ट्विस्ट है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से जब आप पैर को उठा लेते हैं तो ये एक्सरसाइज और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, आपके बेली को और भी तेज़ी से कम करता है। सो कंग्रेचुलेशंस, हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आज के लास्ट यानी एक्सरसाइज नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं, जो कि है सुपरमैन। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उठाना है और दोनों हाथ को भी जमीन से ऊपर की तरफ उठा देना है, बिल्कुल इस तरीके से। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। देखने में लग रहा होगा कि कितनी आसान सी एक्सरसाइज है, बट इस तरीके से सुपरमैन बनकर लेटे रहना 30 सेकेंड तक, ये इतना भी आसान नहीं है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, जितनी देर तक आप इस पोजिशन में खुद को होल्ड करके रख सकते हैं रखने की कोशिश कीजिए, और मैक्सिमम आप 30 सेकेंड तक इस रूटीन को ले जाने की कोशिश करें। जब आप 30 सेकेंड तक इस पोजीशन में होल्ड करते हैं आपका बेली एकदम फ्लैट हो जाएगा। जब 1 हफ्ते बाद आप अपने बेली से इंचेस चेक करोगे तो आपको 2 इंच अपना बेली फैट कम दिखेगा। सो गाइज, आज की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।